दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हालचाल है? टेलीसेल्स यानी कि आप लोगों को पता है, जो लोग फोन पे सेल्स करते हैं ना, उनको बोलते हैं टेलीसेल्स। ठीक है ना, मोस्टली लोगों के पास होता है डाटा, और मोस्टली लोगों के पास डाटा नहीं होता, वो उनको अरेंज करना पड़ता है। इसकी यहाँ पे अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। बेसिकली इंटरव्यू चल रहा है दुबई के अंदर कल 16th February के अंदर। ठीक है ना, तो एम्प्लॉयमेंट वीजे के लिए कोई कॉस्टिंग पे नहीं करनी। अगर आपसे एम्प्लॉयर पैसा मांगता है, ये लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है ना, पैसा नहीं देना किसी को भी वीजे के लिए। ठीक है, सीन ये कि जो फ्रेशर है वो हाईली इंकरेज्ड है, उनको लाजमी अप्लाई करना है। फ्रेशर को लाजमी जाना है, मैं बता रहा हूं, मेल फीमेल दोनों जाएं, दोनों अप्लाई करें। नेशनलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2022 दिरहम से स्टार्टिंग सैलरी है। फोन के ऊपर आपको सेल करना है। बेसिकली आपको कहीं आउटडोर नहीं जाना है, रूम में बैठ के ही आपको कॉलिंग करनी है। ठीक है, कॉलिंग करके आप जो है कस्टमर्स को जो है ना, बेसिकली आपको जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, पर्सनल फाइनेंस होते हैं, होम फाइनेंस वगैरह होता है ना, इसी तरीके की बेसिकली आपको फोन पे जॉब वो करनी है। ठीक है, कंपनी आपको वीजा देगी, कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देगी। ठीक है ना, 2,000-2,500 दिरहम से स्टार्टिंग सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव होता है, टारगेट दिया जाता है 5 लाख दिरहम 10 लाख दिरहम आपको एक महीने में अचीव करना है। ठीक है ना, 1 मिलियन तक, इससे कम भी डिपेंडिंग ऑन ईयर। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, वो आपको अचीव करना था, उसके बाद आपका इंसेंटिव भी इतना ही तगड़ा बनता है। ठीक है, लोकेशन, टाइमिंग, डेट, तमाम चीजें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। केयरफुली देखें, फ्रेशर भी जाए, एक्सपीरियंस भी जाए जरूर। जो लोग अभी यहाँ दुबई में विजिट वीजा के ऊपर आए हुए हैं, वो जरूर ट्राई करें। मैं अगेन बताता रहता हूँ, जो जॉब्स मैं शेयर करता हूँ उसमें आपको किसी को एक ढैला भी नहीं देना होता। अगर कोई आपसे बोलता है इंटरव्यू के लिए पैसे दें, अगर कोई आपको आपसे बोलता है कि आपका अल्लाह भला करे जो है वीजे के लिए पैसे दें, उसी वक्त खड़े हों बाहर आ जाए। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को फायदा हो। अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।